देहरादून में फरियादियों को अब मानव अधिकार आयोग की मदद के लिए बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूरस्थ क्षेत्रवासियों को सहूलियत देने के लिए पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में मानव अधिकार से संबंधित मामलों को सुना जाएगा। दरअसल अब तक सिर्फ देहरादून कार्यालय में ही मानव अधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती थी। वहीं उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी के बिष्ट, राम सिंह मीना, सदस्य गिरधर सिंह धर्मशक्तु ने पौड़ी, टेहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में कुल 68 मामलों को सुना है, जिसमें सर्वाधिक मामले मुआवजे से संबंधित रहे। वहीं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पारदर्शिता के साथ में मुआवजे की कार्रवाई को पूरा किया जाए। क्योंकि जो दूरस्थ जनपद के वाद कार्यों को और जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, उनको देहरादून आना पड़ता है, तो ये निर्णय लिया गया कि एक जो वादों की सुनवाई का एक स्थान पौड़ी में और दूसरा कुमाऊं में, अल्मोड़ा में रखा जाए, जिससे कि दूरस्थ स्थान के वादकारी हैं और अधिकारी हैं उनको देहरादून जाना पड़े। तो काफ़ी समय से यहाँ के जो वाद थे वो हम लोगों ने यहाँ के लिए लगाए और आज ख़ासतौर से चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जनपदों के वादों की सुनवाई यहाँ की गई है, जिसमें हम देखेंगे कि दूरस्थ स्थानों में जाके सुनवाई करना लाभप्रद हो रहा है कि नहीं, जैसे आज यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद अल्मोड़े में भी अक्टूबर प्रथम सप्ताह में कैंप आयोजित किया जा रहा है, तो देखते हैं अगर इसका अच्छा रिजल्ट निकलता है तो भविष्य में दूरस्थ स्थानों पर स्वयं जाकर इसकी सुनवाई की जाएगी। मानव अधिकार आयोग में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी, उसके अधिकारों का हनन या वो व्यथित होता है तो उसके कई फोरम हैं, जैसे न्यायालय में भी वो जा सकता है, किंतु न्यायालय में